नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो एमई 208 यानी थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट नंबर 4 यानी स्टीम प्रॉपर्टीज, स्टीम एंड स्टीम प्रॉपर्टी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टीम हिंदी में बोलेंगे इसको भाप और उसके गुणधर्म। और स्टीम, सबसे पहले हम देखते हैं स्टीम का मतलब क्या होता है। यानी स्टीम का मतलब ये होता है जो हमारा पानी होता है, पानी मतलब H2O या वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसकी तीन स्टेट्स होती हैं, तीन जो है फेजेस होती हैं। एक तो सॉलिड फॉर्म में अगर बात करें, ठोस अवस्था में बात करें तो बर्फ होगा, और अगर लिक्विड फॉर्म में बात करें तो जल या वाटर लिक्विड, और दूसरा अगर गैसेस फॉर्म में बात करें तो वेपर या फिर भाप, या इंग्लिश में अगर उसको बोले तो स्टीम कहलाएगी। तो स्टीम का मतलब होता है गैसियस स्टेट ऑफ वाटर को हम स्टीम कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि स्टीम क्या होती है। हमने देखा स्टीम का जनरेशन कैसे होता है, इस बारे में हम बात करेंगे, और साथ में हम ये देखते हैं कि स्टीम जो होता है, स्टीम जो होगी वो किस तरीके से जनरेट होगी, और साथ में उसकी स्टेट स्टीम में भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। स्टीम को जो अगर जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले बर्फ होगा। बर्फ को अगर एक अगर मान लीजिए 1 kg बर्फ को लेकर के पिस्टन सिलेंडर में लेते हैं, और उसका एटमॉस्फेरिक दाब है, हमारे पास वायुमंडलीय दाब है, और तापमान -20 डिग्री है जो मेल्टिंग पॉइंट से कम है। अब इसको अगर हम गर्म करने लगेंगे या हीट प्रदान जो हम करेंगे, उसके बाद इसमें किस किस तरीके से जो है चेंजेस आएगा वो हम डायग्राम में हम देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है हमारा, इसकी बर्फ की जो है अलग अलग स्थानों को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो रीजन है आपका बर्फ है। बर्फ में ये हमारा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन उसके नीचे ये माइनस में जो है टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे हम हीट इसको हीट अगर देते जाएंगे इस तरफ, और वैसे वैसे और उसी प्रकार से इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फेज में बदलाव नहीं हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे यानी एंथैल्पी देते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट 2 पर आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही आता है, और उसके बाद बर्फ का पिघलना शुरू, जैसे जैसे हम हीट देते जाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जो है पिघलने लगती है। ऐसा नहीं होता है कि बर्फ के पिघलने के साथ तापमान भी इंक्रीज होता जाता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे वैसे वैसे बर्फ पिघलती जाएगी। तो ये हम इसको लेटेंट हीट भी बोलेंगे, या फिर गुप्त ऊष्मा, फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा भी हम इसको बोलेंगे। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बन जाएगा, और उसके बाद और अगर हीट देंगे तो इसका तापमान इंक्रीज होता जाएगा। फिर वापस देखिए, हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है। तो जैसे जैसे तापमान हम जैसे जैसे हीट देते जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। तो इसे हम लेते हैं HF, इसको हम जो शब्द यूज कर रहे हैं HF का मतलब जो इसकी सेंसिबल हीट है। सेंसिबल का मतलब ये बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हीट देते जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाष्प में यानी भाप में कन्वर्ट होने लग जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये HFG से हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। HFG का मतलब फेज में चेंज होने, यानी लेटेंट हीट जो कि फेज चेंज करने के लिए काम में आ रही है। तो 5 से लेकर के 6 आप देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पर ये पानी से लेकर के स्टीम में बदल रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम जब स्टीम ये 6 पॉइंट पर बन जाती है, उसको लगातार जब गर्म करते हैं तो ये अब इसका टेम्परेचर दोबारा से बढ़ने लगता है। तो जितनी ज़्यादा हम हीट देंगे, ये HG जो रिप्रेजेंट कर रहा है गैसियस स्टेट में हीट को रिप्रेजेंट कर, जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे देखिए वैसे वैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है 1 से लेकर के 2, 3 फिर हमारा 4, 5, 6, 7 जितने भी ये प्रोसेस हो रहे हैं, ये सारे वायुमंडलीय दाब पर हो रहे हैं यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हो रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर
इसके अंदर जो है लगातार जो है कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर फेज चेंज होता है, जैसे 2 से लगा के 3 में बर्फ से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, 5 से लगा करके 6 में पानी से भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो बाकी जगह तापमान बढ़ रहा है। तो जहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, वहाँ पर जो है तापमान स्थिर रहता है। अब ये जो ग्राफ खींचा था हमने तापमान और हीट में खींचा, अब आयतन और तापमान में अगर ग्राफ हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी किसी चीज़ को हीट दी जाती है तो उसमें फैलाव आता है, फैलाव आता है तो उसका आयतन बढ़ रहा है, बढ़ता है, ये जनरल परसेप्शन है। तो हम देख सकते हैं बर्फ का पहले माइनस में टेम्परेचर था, पहली स्टेट 1 है। तो हम देखिए इसका आयतन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर के साथ, लेकिन जब इसका कन्वर्जन होता है तो बर्फ से जब पानी में बदलता है तो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो इसका आयतन थोड़ा कम हो जाता है, 2 से लगा कर 3 कम हो जाता है। फिर इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन थोड़ा और कम होता है, उसके बाद इसका आयतन वापस से बढ़ने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वापस से थोड़ा बढ़ने लगेगा। फिर हमारा इसका कन्वर्जन होगा तो पानी से जब स्टीम में बनेगा तो इसका आयतन बढ़ने लगेगा और उसके बाद इस तरीके से आगे हम चलेंगे। तो ये पानी का जो है हमारा पानी का जो कन्वर्जन का ये पूरा सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इसकी आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं। एक और चीज यहाँ ध्यान में देने वाली, जो एंथैल्पी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एच एच जो होता है यू प्लस पीवी कहलाता है। यू का मतलब इंटरनल एनर्जी और पीवी का मतलब प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड वर्क। तो एंथैल्पी जो होती है वो टोटल थर्मल एनर्जी होती है जिसमें आंतरिक ऊर्जा भी इन्वॉल्व होती है प्लस उसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी या पीवी वर्क भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। हम बात करते हैं भाप की जो है अलग अलग स्टेट्स क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो भाप है हमारे पास, जो पानी को जो बॉइलिंग के बाद जो भाप मिलती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा हमारा वेट स्टीम होगा। वेट स्टीम का मतलब ऐसी स्टीम या ऐसी भाप जिसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर भी रह रहा है। मॉइस्चर का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जिसके अंदर पानी के कण भी अवेलेबल हैं, विद्यमान हैं। फिर दूसरा है सेचुरेटेड स्टीम, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। ड्राई सेचुरेटेड का मतलब होता है कि वो स्टीम के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, पानी के कण बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो सेचुरेटेड अवस्था पे है, यानी थोड़ी सी हीट अगर उसमें निकालेंगे तो वो यानी वो लिमिटिंग स्टेट पर है। उसमें जरा से भी हीट अगर हम बाहर करेंगे, जो सेचुरेटेड में जरा से भी हीट हम बाहर करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो वो पानी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहाँ लिखे है भाप की अवस्था है जिसमें जल का एक भी कण विद्यमान नहीं होता है। इस अवस्था में भाप का ताप दाब के संगत संतृप्त ताप के बराबर होता है। यदि भाप का दाब 2 बार है तो उसका ताप 120.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो 2 बार के संगत संतृप्त ताप है। यानी जल का एक भी कण नहीं है, लेकिन जरा से भी हीट हम बाहर निकालेंगे तो उसमें जो है पानी के कण बनने लगेंगे। फिर हम बात करते हैं सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम का मतलब वो सिचुएशन है जहां पर बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी है, लेकिन वो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम जो है उसको और भी ज्यादा गर्म करने पर ये बनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 3 टाइप में हम डिसाइड करेंगे इसको। फिर देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, भाप के गुणधर्म। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी इसके अंदर देखिए, जो काम की आती है। एक तो स्पेसिफिक एंथैल्पी, जिसको हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट एंथैल्पी, और विशिष्ट एंट्रोपी यानी स्पेसिफिक एंट्रोपी, और विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा। ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम, इसके अलावा और भी आती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आता है यानी विशिष्ट आयतन।
इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब यूनिट द्रव्यमान, यानी 1 kg के लिए उस स्टीम के अंदर कितनी थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, उसे हम स्पेसिफिक एंथैल्पी कहते हैं। अब जो यहाँ पर देखिए H बराबर स्पेसिफिक एंथैल्पी, अगर हम किसी स्टीम के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी वेट स्टीम के लिए, क्योंकि वेट स्टीम का मतलब यह है कि वो वेट स्टीम का मतलब यह है कि वो जो है उसके अंदर पानी के कण भी हैं। तो H बराबर HF प्लस X इंटू HFG से हम रिप्रेजेंट करेंगे। HF का मतलब होता है वो जब भाप में कन्वर्ट हो रहा है तब उसकी लिक्विड स्टेट में एंथैल्पी कितनी है, और HFG का मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की जो हमारी जो लेटेंट हीट है उसको हम HFG से रिप्रेजेंट करेंगे, और X का मतलब हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम स्पेसिफिक एंट्रोपी को भी लिखेंगे, S बराबर SF प्लस S SFG। SF का मतलब स्पेसिफिक एंट्रोपी फ्लूड पार्ट के लिए, यानी लिक्विड पार्ट पर कितनी है, और SFG यानी SG माइनस SF, ये हो गया आपका जब फेज चेंज करने में कितना एंट्रोपी में बदलाव आता है उसको रिप्रेजेंट कर, और X का मतलब होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब शुष्कता बिंदु। फिर एक और प्रॉपर्टी है इसकी, विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन का मतलब ये हो गया अगेन कि जब क्योंकि जब लिक्विड में होता है पानी, जब वाटर फेज में होता है तब उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता स्पेसिफिक आयतन, क्योंकि कंप्रेसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो स्टीम में जाता है तो उसमें प्रेशर के साथ या किसी भी चीज के साथ आयतन में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ स्पेसिफिक जो आयतन है उसको भी हम जो है एक प्रॉपर्टी की तरह मानेंगे। तो इसमें देखिए v इक्वल टू एक्स वी जी प्लस 1 माइनस एक्स वी एफ। यानी जो वेट स्ट्रीम है जिसके अंदर पानी के कण भी मौजूद है, उसका अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना चाहें किसी जगह, और हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स दे रखा है, तो जो उसके अंदर जो पानी के कण है उनका जो फ्रैक्शन होगा 1 माइनस एक्स होगा, और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम vf होगा। इसमें जो स्टीम बनी हुई है वी जी जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम बात करेंगे विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी। अगेन उसको भी इस तरीके से यू इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू जी माइनस यू एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सारे टर्म उसी तरीके से होंगे। अब हम बात करेंगे स्टीम टेबल, लेकिन उससे पहले हम जो भाप से कन्वर्जन का जो डायग्राम है वो हम देखते हैं। ये हमारा जो डायग्राम है, यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है TS डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके का प्रोफाइल बनता है। यानी हाई, जैसे जैसे हम प्रेशर अलग अलग प्रेशर पे लेते जाएंगे और वैसे वैसे अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे। मान लीजिए ये किसी प्रेशर पर ये हमारा चल रहा है, तो इस प्रेशर पर इस तरीके से प्रोफाइल चलेगा। मान लीजिए प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ से वो लाइन जाएगी जिस पर आपका स्टीम जो है उस प्रेशर पर गर्म होकर के वो पानी से लेकर के वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ से लेकर के जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन होती है ये आपका कन्वर्जन कहलाएगा पर्टिकुलर जिस प्रेशर पर। तो जो भी हम वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम एंथैल्पी की वैल्यू देंगे, HF का मतलब जो लिक्विड पॉइंट पर जो वैल्यू है एंथैल्पी की, और HG का मतलब जो गैसियस पॉइंट पर जो वैल्यू है, और HFG का मतलब होता है इसके बीच में। एक्स जो होता है शुष्कता भिन्न, वो रिप्रेजेंट करता है कि हम इस लाइन पर हम किस तरफ हैं। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर स्टैंड करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पर स्टैंड करेंगे। स्टीम प्रॉपर्टी के कई सारे चार्ट बनते हैं, TS डायग्राम बनता है, HS डायग्राम बनता है, PH डायग्राम बनता है, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एक क्रिटिकल पॉइंट देखिए, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर लेटेंट हीट बिल्कुल 0 हो जाती है।
यानी ऐसा एक प्रेशर आता है 221 बार यानी 220.9 बार, जिस पर जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जीरो हो जाती है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे आप देख सकते हैं ये डोम की जो साइज है ये कम होती जा रही है, इसका मतलब लेटेंट हीट डिक्रीज होती है। लास्ट में एक ऐसा प्रेशर आएगा जिस पर जो है स्टीम वाटर का स्टीम में कन्वर्जन इंस्टेंट होगा, यानी बिना किसी हीट लेटेंट हीट के डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। फिर एक और आता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर जिस पर जो है ऐसा पॉइंट यानी ऐसी स्टेट जिस पर जो है पानी की तीनों जो अवस्था है, तीनों अवस्था का मतलब ठोस अवस्था यानी बर्फ, पानी और गैसियस यानी भाप, ये तीनों उस पॉइंट पर हमें अवेलेबल रहती है, तो वो स्टेट कहलाएगी हमारी ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पर देखिए ये जो PHT डायग्राम जो है हमारा, इसमें ये जो पॉइंट है ये हमारा ट्रिपल पॉइंट है, क्योंकि इसके इधर वाष्प है, इसके इधर लिक्विड है, इसके इधर ठोस है, ये ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। बात करते हैं ये स्टीम टेबल्स की। स्टीम टेबल्स जो होती है देखिए, स्टीम टेबल्स जो होती है हमारी, ये जो TS डायग्राम है, TS डायग्राम में किसी भी प्रेशर के पे जब हम वाटर को रखेंगे और गर्म करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो प्रोफाइल बनाती है। जैसे मान लीजिए 1 bar प्रेशर पर पानी से ये पहले सेचुरेटेड स्टीम बनेगी, ये वाला जो पॉइंट है सेचुरेटेड स्टीम है, और उसके बाद ये जैसे मान लीजिए 20 बार की अगर बात करें तो पानी से पहले सेचुरेटेड स्टीम बनेगी और उसके बाद ये जो है आपका जाकर के आगे जाकर के सेचुरेटेड लिक्विड बनेगा, फिर सेचुरेटेड स्टीम और उसके बाद जाकर के सुपरहीटेड स्टीम बनेगी। तो जो ये आपका बीच की जो डोम आता है उसमें आपका किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, तो वो सारी डिटेल जो है डेटा जो है स्टीम टेबल में हमें अवेलेबल रहेगा। अभी हम बात करते हैं स्टीम टेबल की। ये जो हमें दे रखा है स्टीम टेबल दे रखा है, तो इसकी स्टीम टेबल में किस तरीके से चीजें होती हैं। एक तो मान लीजिए पहले कॉलम में हम प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर ढूंढना चाहें, जैसे 15 डिग्री, 15 bar, 20 bar, 25 bar, ये इनपुट प्रेशर है, तो इसके अकॉर्डिंग उस प्रेशर पर सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा वो इस टाइम दिए रखा होता है। फिर स्पेसिफिक आपका जो है इंटरनल एनर्जी जो है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की वैल्यू UF और UG की टर्म में दे रखी होती है। फिर हमारा एंथैल्पी जो है HF, HG, HFG की वैल्यू दे रखी है। एंट्रोपी की वैल्यू उस प्रेशर और सेचुरेशन टेम्परेचर पर हमारी ये वैल्यू दे रखी होती है। और तो ये सुपर हीटेड स्टीम वाली जो टेबल है, यानी अगर हमारा वेट स्टीम में काम नहीं कर रहे हैं, हम ड्राई सुपर हीटेड में काम कर रहे हैं, तो उस प्रेशर पर ये सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है। अब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। किसी एक दाब पर अगर हम बात करें तो इन तीनों पैरामीटर की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगी, क्योंकि जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये बेसिकली HS डायग्राम है और इधर देखिए PH डायग्राम है। तो स्टीम की इन्हीं स्टेट्स को HS और PH डायग्राम में भी हम बदल सकते हैं। तो उसमें जैसे जैसे हम अलग अलग पैरामीटर रखेंगे वैसे वैसे हमारी अलग अलग टाइप की लाइंस आती हैं, अलग अलग टाइप की डिटेल्स आती हैं। जैसे इसके अंदर देखिए ये वाले जो लाइंस है कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है, और ये वाले जो लाइंस है स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइंस है, और ये हमारी प्रेशर वाली लाइंस है स्पेसिफिक जो हमारे प्रेशर। तो इस तरीके से हम कहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं वो पॉइंट से हम एंथैल्पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जितना हम डिस्टेंस पर जाते हैं वहाँ पर निकाल करके दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। और सेम चीज़ हम PH डायग्राम पे भी हम कर सकते हैं। इस
इस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।